जय साई राम दोस्तों, प्रियंका गुप्ता की चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। दोस्तों आज हम आपको उसके साथ लंच और डिनर रूटीन शेयर करेंगे। मैंने आप क्या बनाया है आपके साथ हम ज़रूर आपको बनाना बताएंगे। और आप लोग वीडियो को देखा करो, एंड तक देखा करो, लाइक और शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और चलो चलते हैं अब किचन में, आपको हम बनाना बताते हैं। अभी मैं नहा धोकर ब्रेकफास्ट हो गया है और जो मेरा रूटीन का सुबह का काम होता है ना, वो सब हो गया है। झाड़ू पोछा, नहा धोकर, पूजा पाठ, नाश्ता वगैरह, ये मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं लंच बनाऊंगी, जो बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर मेरा सुबह का रूटीन का जो काम होता है वो हो गया। मैं नहा कर और भगवान की पूजा कर ली है। चलो आज हम आपको लंच में क्या बना रहे हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज हम आपको मसाला भिंडी बनाना बताएंगे, वो भी सेंगी भिंडियों से। आपको मैंने यहाँ पर 1 किलो भिंडी ली, उसको मैंने धोकर अच्छे कपड़े से पोंछ कर इस तरह बीच से आपको चीरा लगा लेना है। फिर यहाँ पर मैंने चीरा लगा कर एक साइड रख लिया। इसमें टमाटर, प्याज, मिर्च, अदरक और जीरा का पेस्ट है। और आप लहसुन खाते हो तो लहसुन भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पर इसको मैंने पीस कर टमाटर के पेस्ट को एक साइड रख दिया है। फिर एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल लिया, तेल गर्म हो जाए उसमें जीरा, तेज़पत्ता और अजवाइन, सौंफ और दालचीनी का टुकड़ा, खड़ी लाल मिर्च डालकर उसको आपको भून लेना थोड़ा। फिर आपको टमाटर और प्याज वाला पेस्ट डाल देना है और अच्छी तरह से इसको भूनना है, जिसमें वो तेल छोड़ दे तब तक उसको भूनना है। फिर यहाँ पर मैं एक बर्तन में मसाले की तैयारी करते, एक कटोरी है ना, उसमें आपको हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, अमचूर और काला नमक, सफ़ेद नमक, कसूरी मेथी, धनिया, पानी डालकर मिला लेना है। ऊपर से आपको ये गोभी मसाला है, गोभी का मसाला डालकर मिला लेना है। फिर यहाँ पर आपका मसाला भून जाए, तेल छोड़ जाए, तो उसमें आपको जो पानी में जो मसाला भुना था वो डाल देना है और मिलाकर तब तक पकाना है जब तक वो तेल ना साइड से छोड़ दे। देखो इस तरह एक साइड से तेल छोड़ने लगा है। फिर आपको जो भिंडियां चीरा लगाई थी उन भिंडियों को डाल देना है। आपको छोटी छोटी मुलायम ही भिंडी लेनी है। फिर भिंडियों को डालकर उसको मिला लेना है और ढककर इसको पका लेना है। और ये देखो मेरी भिंडी बन गई है और पक गई है। देखो देखने में कितनी अच्छी है, खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट लगी थी। आप हरे धनिया मिला देना, ये भिंडी बनकर तैयार है। इसको बनाकर मैंने एक साइड रख दिया है। मेरे हस्बैंड जाएंगे तो उनको लंच बॉक्स मुझे बनाकर देना होता है, तो ये लंच बॉक्स है। और हस्बैंड से पूछूँ ना तो क्या लंच बॉक्स में रखूँ, तो कुछ भी फिर अपन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या बना कर रखूँ। चलो यहाँ पर मैंने आटा लिया, आटे में नमक और पानी डालकर आटा मैंने रोटियों का गूँथ लिया है। और उसको मैंने गूँथ कर 5 मिनट के लिए रख दिया था। फिर एक सा कर ये आटा मेरा लग गया है। इसको मैंने आटा लगने के बाद उसकी मैंने लोई तोड़ ली है। लोई तोड़कर मैंने उसकी रोटियां बेल ली हैं। आप जो अच्छे से मथलना नहीं जानता है तो उसको 5-10 मिनट के लिए रख देना है आटे को, तो आपकी रोटियां बड़ी सॉफ्ट और फूली फूली बनेंगी। फिर यहाँ पर मैंने रोटियां बना ली हैं और रोटी बनाने के बाद तो तवे पर डालकर उनको मैंने सेंक ली हैं। और यहाँ पर मेरी रोटी भी बन चुकी है, मैंने घी लगाकर और हस्बैंड का टिफिन दे दिया है। और बच्चे को जो मतलब ब्रेकफास्ट करता है उसको भी मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। ये बैठा है और किचन में स्टूल लाता है और स्टूल पर जाकर बैठ जाता है और देखता है। फिर हमारा दूध आना था तो दूध भी आ गया है। दूध आकर मैंने गर्म कर दिया। यहाँ पर मेरी मलाई जुड़ गई थी, इसमें मुझे घी बनाना था तो मैंने मक्खन निकाला है और मैंने यहाँ पर घी बना रही हूँ। कभी कोई भी वीडियो में, अगले वीडियो में कभी भी मैं घी बनाना आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर मेरा घी बन रहा है और घी बनाकर मैंने एक साइड रख दिया है जब तक वो ठंडा होता है। फिर अब ठंडा होकर मैंने छान कर रख दिया है। अभी का थोड़ा घी इतना ही निकल रहा है, ज़्यादा नहीं निकलता है घी। चलो मेरा घी बन गया है।
5 के करीबन मैंने बच्चे को दूध भी पिला दिया था और भी जो भी हल्का फुल्का खिलाना था वो भी खिला दिया था, हमने भी खा लिया था। यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने दीपक भी लगा लिया है। अब डिनर में क्या बना रही हूँ आपके साथ वो रेसिपी शेयर करेंगे। आज की रूटीन जैसी रेसिपी है गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी फ्राई वाली। यहाँ पर मैंने गोभी आलू मटर को काट कर और धोकर एक साइड रख लिया। कढ़ाई में तेल लिया और तेल गर्म हो जाए तो उसमें हमने गोभी आलू मटर को डाल दिया है और डालकर तेल में ही पकाना है। तेल में मैंने पका कर निकाल लिया, एक साइड रख लिया है। फिर एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गर्म किया, उसमें अदरक जीरा हींग प्याज हरे प्याज के पत्ते और थोड़ी सी धनिया और हींग और मिर्च डालकर उसको मैंने प्याज को थोड़ा भून लेना। फिर भून जाए तो उसमें आपको टमाटर बारीक कटे हुए डाल देना है। फिर टमाटर डालकर मिला लेना, थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो इसमें आपको मसाले डालना है। नमक हल्दी धनिया मिर्च डालकर आपको उसको भून लेना है। आप लोग गोभी को फ्राई कर भी निकाल सकते हो, उस तरह से भी बना सकते हो, कई व्यक्ति बनाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने मैगी मसाला डाला, गोभी का मसाला डाला, थोड़ा पानी डालकर उसको मैंने भून लिया है जब तक थोड़ा तेल ना छोड़ दे। फिर टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हमने गोभी आलू मटर जो फ्राई कर मतलब तेल में ही पकाए थे वो आलू मटर गोभी को डाल देना है, मिला लेना, 2 मिनट तक और पका लेना है। फिर हरा धनिया मिला देना, थोड़ा मिर्ची मिला देना है। एक गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने सब्जी बनाकर एक साइड रख दी है। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको मैं सब खाना भी गरम गरम रोटियाँ देती जाती हूँ और इनको थोड़ी कुरकुरी रोटी खाना पसंद आता है तो कहते हैं कि प्रियंका थोड़ी कुरकुरी रोटी बना के दे दो। यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और रोटी मैंने सेंक ली है और यहाँ पर मैं रोटी बनाकर और सेंक कर उनको दे दिया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड का भी हो गया है खाना, मेरा भी और मेरे बच्चे का भी हो गया है, बर्तन भी मंज गए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आएगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को ज़रूर बजा देना। चलो दोस्तों अब वीडियो का एंड करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। कल के ब्लॉग में फिर जल्द मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय।